फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके फंक्शंस को जानेंगे और प्लेसेंटा के फंक्शन को डिटेल में समझेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो अंत में लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में व्हाट्सएप वगैरह पे जरूर शेयर कर दीजिए प्लीज। सो वेलकम यू ऑल इन माई चैनल साइंस बाय रानू। तो आप पहले देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक ओपनिंग होती है जो यूट्रस के सर्विक्स में खुलती है, इसे वेजाइना कहते हैं। सर्विक्स यूट्रस यानी गर्भाशय का सबसे निचला हिस्सा होता है। यूट्रस एक बहुत मस्कुलर ऑर्गेन है, इसकी मसल्स बहुत थिक होती हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये बहुत छोटा एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन चूंकि बच्चे का विकास यूट्रस में ही होता है तो ये समय के साथ साथ प्रेगनेंसी टाइम में बड़ा होता जाता है। इसके मसल्स की कैपेसिटी इतनी होती है कि इसे हम स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स कह सकते हैं। यूट्रस के दोनों तरफ आपको एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम ओवरी कहते हैं, यानी कि एक फीमेल बॉडी में एक पेयर ऑफ ओवरी होती है। यूट्रस के दोनों तरफ दो ट्यूब्स निकलती हैं जिन्हें हम ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इन फेलोपियन ट्यूब्स का जो एंड होता है वो काफ़ी फिम्ब्रिएटेड यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं और ये काफ़ी एडहेसिव होता है। क्यों होता है इसको हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। ये जो फेलोपियन ट्यूब के जो फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं ये ओवरी के ऊपर होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर महिलाओं में जन्म के समय से ही होता है, लेकिन ये प्यूबर्टी में जा करके सेक्सुअल ग्रोथ को शो करता है। और देखते हैं सेक्सुअल ग्रोथ के दौरान क्या होता है। ये जो ओवरी है इसके अंदर बहुत छोटे 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 एग सेल्स होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्लांट सेल में पढ़ा था कि फीमेल एग सेल होता है जो कि सीड में कन्वर्ट होता है, ऐसे ही महिलाओं में ओवा यानी कि एग सेल्स होते हैं, पर ये इमैच्योर होते हैं। हर महीने दोनों ओवरीज में से कोई एक एग सेल मैच्योर होता है यानी कि डेवलप होता है। ये एग सेल डेवलप हो करके ओवरी के सरफेस पे पहुंचता है और चूंकि उसी के ऊपर फेलोपियन ट्यूब की जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो अपने एडहेसिव नेचर के कारण उसको एक मूवमेंट देती है और अपने अंदर ले लेती है। अब एग सेल कहाँ आ गया, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब से इसकी जर्नी शुरू होती है। अब ये एग सेल राइट ओवरी से भी डेवलप हो सकता है, लेफ्ट ओवरी से भी डेवलप हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कंडीशंस में एक ही ओवरी एक एग सेल प्रोड्यूस कर सकती है। कभी कभी आपने सुना होगा किसी को ट्विंस हो जाते हैं, उस केस में दो एग सेल्स डेवलप होते हैं। अब अगर इंटरकोर्स के कारण वजाइना में स्पर्म्स पहुंचते हैं, मेरा पिछला वीडियो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप इसको देख सकते हैं कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स फीमेल वजाइना के थ्रू पूरे फेलोपियन ट्यूब दोनों तरफ फैल जाते हैं। अगर उसी वक्त की एग सेल मिल गया तो ये उसके साथ फ्यूज कर जाते हैं। इन एग सेल्स को अगर स्पर्म नहीं मिला तो इनकी लाइफ मुश्किल से दो दिन की होती है, लेकिन अगर स्पर्म मिल गया, स्पर्म फ्यूज हो गया, तो अब हम इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और जैसा कि हमने प्लांट में पढ़ा था कि एग स्पर्म के साथ मिलकर के जायगोट बनाएगा, जायगोट डिवाइड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा और फेलोपियन ट्यूब से ये धीरे धीरे लुढ़कते हुए बॉल जैसे चले आते हैं यूट्रस में। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉटिलेडंस प्लांट में फूड सप्लाई करते थे, ऐसे ही यूट्रस ब्लड की कुछ टिश्यूज की लेयर बनाने लगता है ताकि जो बच्चा आए उसको फूड मिल सके, इससे उसको न्यूट्रिशन मिल सके। तो जब जायगोट डिवाइड हो करके यूट्रस में आता है तब तक वो कई सेल्स में डिवाइड हो करके ब्लास्टुला स्टेज में आ जाता है, मतलब सेल्स का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। और मदर यूट्रस ने जो ब्लड की लाइनिंग बनाई है, थिकनेस बनाई है, उसी में जा करके जैसे बीज बो दिया जाता है ज़मीन में, ऐसे वो जाके उसमें फिक्स हो जाता है। अब जब ये यहाँ फिक्स हो जाता है तो इसी ब्लास्टुला स्टेज यानी कि ये जो सेल्स हैं इसमें से कुछ का डेवलपमेंट तो एम्ब्रियो के लिए होता है यानी कि जो आगे चल करके बेबी बनेगा, और कुछ सेल प्लेसेंटा बना लेते हैं। अब ये प्लेसेंटा क्या होता है इसको हम वीडियो के अंत में जानेंगे। और इस तरीके से यूट्रस के अंदर एक नए बच्चे का विकास होने लगता है। आदर्श समय है करीब 9 महीना, जिसके बाद एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। जन्म के वक्त कॉन्ट्रैक्शन होता है, बच्चे का सर इन जनरल नीचे की ओर होता है,
टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ऊपर से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे से रिलैक्स करता है और इस तरीके से बच्चा जो है वो बाहर आ जाता है। तो ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। लेकिन क्या होता है तब जब स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ? प्यूबर्टी स्टेज यानी कि 12-13 साल की उम्र से लेकर के करीब 50 साल तक की महिलाओं में एग सेल हर महीने बनते हैं, और जरूरी नहीं कि हर एग को स्पर्म मिल ही जाए। जैसे एग रिलीज होने को होता है, यूट्रस एम्ब्रियो को रिसीव करने की तैयारी शुरू कर देता है, वो ब्लड टिश्यूज की एक लेयर बनाता है जो कि आने वाले बच्चे को न्यूट्रिशन देगा। लेकिन जब ये एग सेल स्पर्म से फ्यूज नहीं करता तो 2 दिन के भीतर ये डिफ्यूज कर जाता है फीमेल बॉडी में ही, फेलोपियन ट्यूब में ही खत्म हो जाता है। अब इससे फिर से कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बैलेंस घटता बढ़ता है, जिससे कि यूट्रस को ये मैसेज पहुंच जाता है कि अब ये जो एग सेल है ये फर्टिलाइज नहीं हुआ और ये यूट्रस में नहीं आ रहा है, यानी कि जो उसने तैयारी करी थी ब्लड टिश्यूज की ये बेकार चला जाएगा। तो वो बेकार चीज शरीर क्या करता है, वेजाइना के थ्रू ये पूरा जो ब्लड टिश्यूज है ये बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिसको कि हम आम भाषा में माहवारी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं या इन जनरल पीरियड्स बोल देते हैं। तो ये तो हो गया कि जब स्पर्म नहीं मिला, ये हर महीने होता है और 50 साल की उम्र तक आते आते ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, जिसको कि हम मेनोपॉज कंडीशन बोलते हैं। अब और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं जब बेबी डेवलप होता है। यहाँ पे जो आप जायगोट के बाद डेवलप टिश्यूज देख रहे हैं, ये जायगोट कभी कभी किसी किसी कंडीशन में 2 एम्ब्रियो बना लेता है और 2 बच्चे डेवलप हो जाते हैं एक ही यूट्रस में। आपने सुना होगा किसी को जुड़वा बच्चे हुए, किसी को ट्रिपलेट्स हुए, पर इनकी संख्या कम होती है। इसके पीछे कारण क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता। ऐसे में चूंकि स्पर्म और एग सेल दोनों सेम ही थे, वो बाद में जाकर के 2 एम्ब्रियो में डिवाइड हुए, तो जो ट्विंस होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जिन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। वहीं कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ओवा डेवलप हो गए और 2 अलग अलग स्पर्म्स ने उनको फर्टिलाइज कर दिया एक ही समय। ऐसे ट्विंस जो डेवलप होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, वो एक जैसे नहीं दिखते। जब ये ब्लास्टुला स्टेज यानी कि ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये यूट्रस के ब्लड में जो लाइनिंग तैयार की होती है मदर यूट्रस ने, उसमें जब ये फिक्स हो जाता है तो अब इसको न्यूट्रिशन चाहिए, और शुरू में तो कम न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। इसमें से कुछ सेल एम्ब्रियो बनाते हैं और कुछ सेल्स मिल करके प्लेसेंटा बनाते हैं, यानी कि जो हम लोग सोचते हैं कि प्लेसेंटा माँ की बॉडी बना रही है, नहीं ऐसा नहीं है। सच पूछो तो इसमें एग सेल और स्पर्म सेल दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये कौन बना रहा है, जायगोट से आया हुआ जो एम्ब्रियो है वो बना रहा है। इस प्लेसेंटा में माँ के वेंस और आर्टरीज होती हैं और इधर बच्चे की भी वेंस और आर्टरीज होती हैं, और ये एक विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। विलाई आपने इंटेस्टाइन के चैप्टर में पढ़ा होगा कि इससे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है न्यूट्रिशन की। अब ये जो बच्चा है वो माँ से ऑक्सीजन लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा भी, तो डिफ्यूजन के द्वारा यही कार्बन डाइऑक्साइड माँ के ब्लड स्ट्रीम में मिल जाती है। इसको बिल्कुल आप वैसे ही समझिए जैसे हमारा लंग्स काम करता है, कि हम बाहर से एयर लेते हैं जिसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसे ही ये एम्ब्रियो के लिए प्लेसेंटा एक लंग्स का काम करता है। इसके साथ ही माँ के ब्लड से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चा लेता है और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को माँ के शरीर के थ्रू बाहर निकाल देता है, इसी प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। ये प्लेसेंटा बच्चे के नेवल एम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी होती है। ये प्लेसेंटा ईश्वर का वरदान है, ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। माँ के शरीर में कोई हैवी मेटल्स हैं या कोई पॉइजनस चीज़ है, ये उसको रोक भी देता है, काफ़ी चीज़ों को रोक देता है जो बच्चे तक नहीं पहुँचते, ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। जब बच्चे का जन्म होता है तो ये प्लेसेंटा भी बच्चे के जन्म के बाद बाहर आ जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक क्विक रिवीजन देखिए, सबसे नीचे होता है वेजाइना, वेजाइना जुड़ा होता है सर्विक्स से, सर्विक्स यूट्रस का सबसे निचला पार्ट है जो कि फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरी से जुड़ा होता है। फेलोपियन ट्यूब का एंड ओवरी के ऊपर होता है, जहाँ से ओव्यूल फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं। अगर ओवरी को स्पर्म मिल गया
फिर वो इम्ब्रियो एक डेवलप्ड बच्चे में जन्म लेगा, और अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता तो एग बॉडी में ही डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और इस दौरान यूट्रस ने जो ब्लड टिश्यू की लेयर बनाई थी कि जब इम्ब्रियो आएगा वो उसको न्यूट्रिशन देगा, वो उसको मैसेज मिलता है कि ओवा अब ख़त्म हो गया है और कोई उसकी ज़रूरत नहीं है न्यूट्रिशन की, तो वो बॉडी से शेड ऑफ कर देता है, बाहर निकाल देता है, जिसको कि हम पीरियड्स बोलते हैं जनरल टर्म्स में। बच्चे और माँ के बीच फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, इन सब के एक्सचेंज के लिए प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जो कि बच्चे के जन्म के बाद शरीर से बाहर निकल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आई नीड योर सपोर्ट। जय हिंद।